Aries, मेष राशि, वेलकम वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम नाज है, आपका स्वागत है आपकी टैरो रीडिंग में। अगर आपका सन साइन, मून साइन और आपका राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मेष राशि में है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एरीज, मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, सम ओरेकल कार्ड्स हैं और सम चार्म्स हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ओके। मेष राशि, मेष राशि फायर साइन। मेष राशि के लोग ना थोड़े से मूडी होते हैं, इनका एक अपना मूड होता है हर काम का, इनके व्यवहार में ना एक मूडीनेस होती है, काफी मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं एरीज में। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स एरीज में ही देखने को मिलते हैं। अगर ये खुश है तो ये खुश है, अगर ये उदास है तो ये उदास है। चिड़चिड़ापन भी हो सकता है एरीज, जो मेष राशि के लोग हैं ना, इनमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, लेकिन इनका एक अपना कंफर्ट जोन होता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन ना तभी कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये तभी देते हैं जब ये अपने कंफर्ट जोन से काम करते हैं, उस वहाँ से ऑपरेट करते हैं। इनका खुद का एक कंफर्ट जोन है और ये उसी में रहना पसंद करते हैं। इन्हें बाहर से कुछ नया ट्राई करने की ये कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं रखते, ये अपना कुछ कंफर्ट जोन है वहीं से ऑपरेट करना पसंद करते हैं। एरीज 2020, लेट्स सी, लीडरशिप रोल के लिए भी ये काफी एस्पिरेशंस रखते हैं। फायर साइन है तो ऑब्वियसली पैशनेट तो होते ही हैं ये, करेजियस भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत बस इनके मूड स्विंग्स है। अगर इनका मूड अच्छा नहीं है ना तो ये काम नहीं कर पाते, इनका इनका जो काम करने का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता, वो बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाते अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो। इनके एरीज के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है इनका मूड, इनका व्यवहार जो है वो बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। टू एपिसोड्स, इनडिसाइसिवनेस, तय ना कर पाना, ये जो समस्या है ना कि ये समस्या किसी और ने नहीं क्रिएट की इस वुमन के लिए, इस कार्ड में जो वुमन है ना वो ब्लाइंड फोल्डेड है, इसीलिए वो कुछ देख नहीं पा रही और इसके हाथों में तलवार है, दो तलवारें पकड़ी हुई हैं, विच इज अ साइन ऑफ इनडिसाइसिवनेस, टू चॉइसेस, तो इनडिसाइसिवनेस की ये साइन है ये कार्ड। अब ये वुमन अगर इस चक्रव्यूह से, इस इनडिसाइसिवनेस जो ये एनर्जी है, अगर इससे बाहर निकलना चाहती है तो उसे क्या करना है, उसे ये दो तलवारें छोड़ देनी है, ड्रॉप कर देनी है और अपनी आंखों की जो पट्टी है अपने हाथों से खोल देनी है, राइट, यही करना है ना, तो फिर वो देख पाएगी कि वो कहाँ बैठी है, कौन सी जगह है, बट वो ऐसा कर नहीं रही और इसी वजह से वो कंफ्यूज है क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रही। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहाँ हैं, आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में हो, तब कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी ना। तो ये एरीज आपकी एनर्जी है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है इस वक्त वो आपकी, आप उसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट की है, किसी दूसरे ने नहीं क्रिएट की, वो आपने खुद क्रिएट की है। तो अगर आपने खुद क्रिएट की है तो आप उसे खुद सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपकी जो अवेयरनेस है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आओ,
ठीक है, थोड़ा सा हल्का कीजिए अपने अपने वातावरण को, अपने ऑरा को थोड़ा हल्का कीजिए। अगर आप ये तलवारें छोड़कर अपने हाथों से अपनी जो ये पट्टी आंखों पे बंधी हुई उसे खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पीछे जो पानी पानी हमेशा इंट्यूशन की ओर इशारा करता है, राइट, हायर सेल्फ, डिवाइन गाइडेंस। तो आप देखेंगे कि आपके पास भंडार है डिवाइन गाइडेंस का, जिसको यूज करके आप बहुत सी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हो, आप काफी कंफ्यूज्ड हो, और ये कार्ड इसीलिए ये यहां पर है ताकि आपको ये गाइड कर सके कि ये जो कंफ्यूजन है इसे आप खत्म कर सकते हो। थोड़ा सा बस अपने फोकस में, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आइए। क्वीन ऑफ कप्स, अनदर कप्स कार्ड, ओके, अनदर वाटर वाटर साइन। ओ सॉरी, एक्चुअली दिस इज सोड कार्ड, ये एयर साइन और ये वाटर साइन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। इंटरेस्टिंग, सी, ये वुमन ब्लाइंड फोल्डेड है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो कुछ देख नहीं पा रही। पर जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। अभी ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये अच्छे से देख पा रही है, इसकी आंखों पे तो कोई पट्टी नहीं है ना, इसकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, देखो ये अच्छे से देख पा रही है। ये अब इसके पास जो भी ऑप्शंस है ना, ये अपने ऑप्शंस को अच्छे से समझ पा रही है, अच्छे से देख पा रही है। और इसी की वजह से, क्योंकि अभी इसके इसका जो शिफ्ट है, इसकी अवेयरनेस में शिफ्ट है, राइट, इसकी वजह से ये अच्छे से समझ पा रही है कि इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए। इसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसे किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं, इसे पता है कि इसके इसको आगे क्या करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये अपनी कैपेबिलिटी में कर सकती है, जिसके जिसके साथ ये मैनिफेस्ट कर सकती है अपने हार्ट की डिजायर को, जो भी इसकी दिल की इच्छा है, इसकी मन की कामना है, उसे मैनिफेस्ट कर सकती है। एंड गाइस, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन मेरे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश के जो शब्द हैं वो जुबान पर आ जाते हैं मेरे। खैर, आपकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मेष राशि के लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दो चॉइसेस हैं आपके सामने, दो करियर चॉइसेस हैं या दो लव चॉइसेस हैं, या कुछ भी ऐसी दो चीजें हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो बस अपने हाथों को, मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रही हूँ, अपने हाथों में जो ये तलवारें पकड़ी हुई है ना, सबसे पहले तो इन्हें ड्रॉप कर दीजिए, और फिर अपनी आंखों की जो पट्टी है उसे खोलिए और देखिए कि ये जो दो ऑप्शन है आपके सामने, सी टू सॉट्स, और यहाँ पर भी दो दो एंजल्स हैं, दो ऑप्शंस हैं, ये जो भी दो चॉइसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। और इससे इस इसके इसके लिए ना अपने दिमाग को और अपने दिल को दोनों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। ये भी पानी में बैठी हुई है और ये इसके आसपास भी पानी है, विच मीन्स इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ। आंसर्स तो हम सबको पता ही होते हैं, वो इसीलिए हम उसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ जाती है। तो अपनी ईगो को थोड़ा साइड रखिए और अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, और आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। लुक द सन, ओ माई गॉड, लुक एट दैट क्लैरिटी,
इन टू द लाइट, रोशनी जो जो आप नहीं देख पा रहे हो अब आप देख पा रहे हो, क्योंकि अभी सूरज है, सूरज की रोशनी है आपके आसपास। कितनी खूबसूरत ये एनर्जी है, कितनी खूबसूरत। आई लव इट। मुझे मैं खुद कई बार खुश हो जाती हूँ जब भी स्पिरिट गाइड यू नो कंफर्म करते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। आपकी आपके जो भी समस्या है एरीज, वो अगस्त के महीने में डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ बैठकर ये वीडियो देखते हुए आप ये सोचोगे ओ सन कार्ड निकल गया अब तो होना ही होना है, ऐसा नहीं है। सन कार्ड आपका एक पॉसिबल आउटकम है। ये तभी होगा अगर आप एक्शंस लेंगे, जो आपको करना चाहिए सही तरीके से, अगर आप वो करेंगे तभी ये आउटकम आपको मिलेगा। कार्ड को देखने से आउटकम नहीं मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको मैं ये कह रही हूं आपके जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है और अपनी चॉइसेस को देखना है, समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी डिसीजन लेने में। उसे बहुत अच्छे से समझना है, उसे देखना है कि दिल का भी इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का भी कीजिए, अपनी विजडम जो आपने अब तक अक्वायर की है, अब तक आपने हासिल की है, जो कुछ भी सीखा है, उस सबको इस्तेमाल करके देखिए कि ये जो भी दो ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको आपके सपनों के सपने पूरे करने में मदद कर सकता है। सन कार्ड से मुझे ये भी पता चलता है कि आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, मे बी एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में, आर्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन आपके पास कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है। मे बी आपके पास इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शन है और मे बी आप कुछ और करना चाहते हैं, मे बी आपकी फैमिली आप चाहती है कि कुछ और करें आप, लेकिन आप अपने दिल के सुनिए और देखिए कि आप कौन सा काम करके सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा करियर पिकअप कर रही हूँ इस एनर्जी से, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन सी एनर्जी है आपके लिए। ये सन कार्ड विक्ट्री का भी साइन होता है, जीत का, उमंग का, नई आशा का, नई किरण का, नई रोशनी का, आजादी का। कुछ लोग आप में से ना, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये जो सफेद हॉर्स है, ये घोड़ा है, मुझे ना ये ट्विन फ्लेम शब्द मेरे कानों में सुन रहा है इसे देखकर। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सोलमेट से थोड़ा डिफरेंट है, और मेरे ख्याल से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ना सोलमेट रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ट्विन फ्लेम हमेशा आपका एक ही होता है, सोलमेट आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर सम ऑफ यू गाइस कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। और इस शख्स का जो साइन हो सकता है, इस शख्स का साइन हो सकता है लियो, सिंह राशि, आप ही की तरफ फायर साइन, लीब्रा, बहुत ही खूबसूरत दिखने में हो सकते हैं, क्योंकि लीब्रा राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं दिखने में, वो खूबसूरती को डिफाइन करते हैं लीब्रा राशि के जो लोग हैं। इंटरेस्टिंग, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी मदर इन द मंथ ऑफ अगस्त, आपकी जो मम्मी हैं, वो आपको सरप्राइज दे सकती हैं। आई मीन आपके घर में ना एकदम से आपकी शादी की बात भी हो सकती है। आई मीन दिस इज लाइक
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. दिस इज लाइक एकदम से अचानक, जैसे जैसे घर में एकदम से अचानक अचानक से ना आपकी आपके शादी के बारे में बातचीत होने होनी शुरू हो जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त. ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है. लाइक अभी आप शायद स्कूल में हो या आपने अभी अपना करियर शुरू किया हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक ऐसा नया रिश्ता आएगा, एक अच्छा रिश्ता आएगा, जिसकी वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो आपसे शादी करने के बारे में बात कर सकते हैं. ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है. और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपकी कोई इच्छा है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, वो आपके ऊपर है. न्यू मून जो अभी आएगा, न्यू मून पर अगर आप अगर आपको पता हो कि न्यू मून रिचुअल्स के बारे में, अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है न्यू मून रिचुअल्स के बारे में, तो इस न्यू मून पे ना वो सारे रिचुअल्स आप अपनी उस डिज़ायर के लिए कर सकते हैं. और जब अगला फुल मून आएगा ना, तब तक वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है. दिस इज सो ब्यूटिफुल. दिस इज अ स्ट्रांग मैसेज फॉर सम ऑफ यू गाइज. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. फुल सर्कल. मैंने अभी फुल मून के बारे में बात की आपके साथ. डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, प्लीज अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से आप मून के साथ, मून की एनर्जी के साथ उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. न्यू मून पे अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए और फुल मून तक वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. दिस इज अगर आप खुद एक टैरो रीडर हैं और मुझे देख रहे हैं तो आपको भी खुद पता होगा कि ये कितना एक्साइटिंग होता है जब आप कोई बात बोलते हो ना, और तब कार्ड्स भी इसी चीज को कंफर्म करें. तो दिस इज अमेजिंग. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. इंटरेस्टिंग. न्यू मून इन वर्गो. ये जो सन एनर्जी है ना, ये जो सन की एनर्जी है, जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, मेरे ख्याल से आपको ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी पोजीशन में चले जाओगे जहां पर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखोगे, दूसरों को प्रोत्साहन देने की ताकत रखोगे. कुछ लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है. मैं काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म देख रही हूँ जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. बहुत बड़ी ऑडियंस मैं देख पा रही हूँ. और ये जो कार्ड है ना, ये इसी के बारे में संदेश देता है कि आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी आर्ट है, आपकी जो भी कला है, उसे दूसरों के हित के लिए यूज़ करना, दूसरों की मदद के लिए यूज़ करें. कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लेकिन ये जो भी है ना, आपको यूनिवर्स खुद एक ऐसी पोजीशन में रखेंगे जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ, दूसरों के हित के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, विच इज़ ब्यूटिफुल. देखिए आप, आपकी प्रोग्रेशन देखिए. आप कंफ्यूज थे, आपने अपनी कंफ्यूजन दूर की और अपनी चॉइस, आपने अपनी चॉइस को समझा, और देखिए अभी आप सन एनर्जी में हैं. तो अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकता है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. प्रॉस्पेरिटी सिर्फ मनी नहीं होती, इन ऑल एस्पेक्ट्स. आपका हर एक तरफ से आपके जीवन में रोशनी आने के चांसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त. अभी हम आपके चार्म्स देख लेंगे. सबसे पहले हमारे पास है भक्ति, डिवोशन. ऑब्वियसली अगर आप रिलीजियस हैं तो ये प्रेयर्स के बारे में इशारा करता है, लेकिन अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो ये डिवोशन जो है ना, भक्ति जो है, इससे मुझे सर्विस, सर्विस शब्द
से मैं इसे रेजोनेट करती हूँ। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के हित के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, खुद को डिवोट करना दूसरों की सर्विस में। तो अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आप जरूर कीजिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। मेरे पास है ये फ्रेंच फ्राइज, ये मेरे लिए हमेशा अनहेल्दी फूड की निशानी होती है। फैट, ऑयली फूड, एक्ने, तो अवॉइड कीजिए इस एनर्जी को इन द मंथ ऑफ अगस्त। और अपनी ऑरा को, अपनी बॉडी को अच्छा अच्छा खाना दीजिए, अच्छी अच्छी चीजें फीड कीजिए। हमारे पास है अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। ओ नाइस, वी हैव दिस लीफ। ये जो है ना चार्म, ये मुझे हमेशा कैलीग्राफी की याद दिलाता है। तो मे बी आप में से कुछ लोग अपनी लिखाई, अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं, और आप चाह और मे बी सम कुछ लोग कैलीग्राफी के बारे में कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं। तो ये अगस्त अच्छा महीना है ऐसा कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं। तो हमारे पास है मैसेंजर, नाइस। कोई संदेश, कोई पॉजिटिव संदेश मिल सकता है आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओह माय गॉश, लुक एट दैट मैसेज इन अ बॉटल। यू आर रेडी फॉर दिस, यू आर डेफिनेटली रेडी फॉर दिस। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ा करेंगे आने वाले टाइम में, डेफिनेटली। हमारे पास है ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर आपसे मिलने के लिए कोई आ सकता है। मुझे ये कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरे लिए जैसे एक लोकल ट्रैवल है, छोटी सी, जैसे छोटी ट्रैवल है, नॉट कि बहुत बड़ी ट्रैवल नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको इससे खुशी मिलेगी। हमारे पास है ये ब्यूटीफुल पर्ल, और ये बो बनी हुई है इसके ऊपर। पर्ल जो है ना, वो शांति की बात करता है, पीस, कंटेंट। और अगर कोई गुस्सा है मन में, तो उसे लेट गो कर देना। आप में से कुछ लोग ना बहुत ही पुराना, जैसे बहुत ही बड़ा और बहुत पुराना एक हर्ट है जो आप कैरी किए हुए हैं। अगस्त इज अ गुड मंथ कि आप उस बुरी बुरी एनर्जी को लेट गो कर दें, उसे जाने दें और अच्छी ऊर्जा को आने दें अपनी लाइफ में। हमारे पास है रैबिट, तो मे बी आप में से कुछ लोग पेट लेने के बारे में सोच रहे हैं, खरगोश लेने के बारे में। मुझे खरगोश पर्सनली बहुत पसंद है, तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपको ये करना चाहिए। हमारे पास है फेरीज, एंजल्स। ओह नाइस, लुक एट दैट। ओके, लेट मी जस्ट, वी हैव अ कैट, अनदर पेट। सो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग पेट लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी आपके पेट को खास ख्याल रखने की जरूरत है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए। हमारे पास है पीकॉक, विच इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जो आपकी मन की इच्छा है, उसे एक्सप्रेस करना, दिल में नहीं रखना। तो ये मैसेज किसी आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ओ ए एंड वी हैव जेड एंड वी हैव दिस हेडफोन्स। ये चार मुझे ना हमेशा मेडिटेशन की ओर इशारा करता है, कि ध्यान लगाकर बैठना और मेडिटेशन सुनना, सबलिमिनल मैसेजेस सुनना और अपनी रियलिटी को बदलना अपने अपने आप से। तो उसी तो आप में से कुछ लोग सबलिमिनल मैसेजेस यूज कर सकते हो अपनी रियलिटी को चेंज करने के लिए।
Let's see if we have something else. We have letter O again. Oh, I'm seeing zoo. We have like peacock, cat, rabbit. So yeah. हमारे पास है ये बो. ये मुझे हमेशा ना वो बो टाई फॉर योर पेट, जो कैसे कहते हैं उस चीज़ को कि जो आपका पेट है, आप शायद उसके लिए कुछ नया टॉय या नई उनके लिए कोई बो टाई खरीदना चाहते हैं, तो ये उसकी भी एनर्जी कुछ आ रही है यहाँ पर. ओके लेट्स सी, वी हैव क्लोवर. ये है गुड लक की निशानी. और लास्टली वी हैव ट्री, अबंडेंट ट्री विच यू आर. आप हैं ये अबंडेंट ट्री. ये जो रोशनी है ये ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है. और आप ये बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं. Alright guys, this is your reading for the month of August 2020. Aries, Mesh Rashi ke log. I hope ki aapko kuch guidance mili ho aur aapko madad mili ho. Agar aapko ye achhi lagi ho reading to aap like kar dijiyega aur comment kar dijiyega taki mujhe pata chale ki ye aapke sath resonate hui hai. Theek hai, to main aapse next reading mein milungi. Tab tak ke liye aap apna khyal rakhiye. Bye bye.